टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं सिर्फ 10 से 12 मिनट आपके लिए जरूरत तो नहीं थी, लेकिन यह है कि माशाल्लाह वलियों को और हालात में बड़े नाजुक हैं। जिसमें अभी कुरान पाक से मैंने छोटी सी आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ नबी आप फरमा दीजिए, लअसअलकुम अलैहि अजरन, मैं कलमे के बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता कि मुझे कोई पैसा दो, दौलत दो, माल दो, कुछ भी चाहिए। मैंने जो तुम्हें मुसलमान किया उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्ला सिवाय इसके मवद्दा का, मोहब्बत करना, वफिल कुर्बा मेरी अहले बैत से। अगर तुमने मुझ मोहम्मद का हक अदा करना है, अगर तुमने कलमे का हक अदा करना है, तो उसके बदले में मैं तुमसे किसी चीज का तकाजा ही नहीं करता। अगर तकाजा है तो क्या इल्ल सिवाय इसके मवद्दा, मोहब्बत करना, वफिल कुर्बा मेरी अहले बैत से। कि अगर तुमने मोहम्मद का हक अदा करना है तो मेरी आल से मोहब्बत करना। तो आज हम जिनकी महफिल के लिए आए हुए हैं, हजरत किबला इर्तिजा शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरी उनसे 15-20 साल की पुरानी वफाकत है, और मैं इसी एरिए में तकरीबन 25 साल से आया, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे वली और वली कामिल, उनके साथ मोहब्बत रखना और ये मोहब्बत, ये सादात से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, कोई ये कहे कि कुछ देती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग हमेशा नमाज के बाद, सॉरी अजान के बाद ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह आका अलैहिस्सलाम को मकामे महमूद पे पहुंचा दिया, तो जिसका तूने उनसे वादा किया है। क्या आपने कभी सोचा या पढ़ा कि वो मकामे महमूद है क्या? वो मकामे महमूद, वो दुआ भी हम करते हैं, कहते भी हम हैं, इसलिए कि उसमें हमारा फायदा है। जब रोजे क़यामत याद रखें कि जब सबके आमाल तुल जाने चाहिए, जनती एक साइड से, दोस्ती एक साइड से, तो फिर आका अलैहिस्सलाम को उस मकामे महमूद पे बिठा दिया जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दोस्तियों से खताब करेंगे और क्या कहेंगे? ये कहेंगे, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिस किसी ने मुझ मोहम्मद पे एहसान किया हो? वो तो ऐसे लोग होंगे जिन पे दोज़ख वाजिब हो चुकी है, उनमें से तो कोई शख्स ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो शरीयत पे भी अमल नहीं किया। वो सारे ऐसे होंगे जो बेनमाजी होंगे, वो सारे ऐसे होंगे जिनको रोज़ों की कमी होगी, वो सारे ऐसे होंगे जिनने शरीयत पे अमल नहीं किया होगा, इसलिए तो वो दोज़ख वाली साइड पे। उसकी उसके बाद आका अलैहिस्सलाम इसकी शरह फरमाएंगे कि मुझ पे मोहम्मद के एहसान का मीनिंग क्या है। आप फरमाएंगे, तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि किसी ने जिंदगी में कभी मेरी किसी
आल के साथ, मेरे किसी सैयदजादे के साथ मोहब्बत की हो, उनके साथ कुछ प्यार वाला अमल किया हो, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के हिस्से को कुव्वते गोयाई अता करता है। आपकी आंखें बोलेंगी, आपके हाथ बोलेंगे, आपके पांव बोलेंगे, अल्लाह ताला हर हिस्से को जुबान अता फरमाएगा। तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि या रसूलुल्लाह, एक सैयदजादा था, मैंने उसके किसी का होंठ बोलने का, मैंने उसके हाथ छूने थे, फलां एक सैयद था, मैंने उसको फलां किया था, फलां था, कोई गरीब होगा, या रसूलुल्लाह मैं कर तो कुछ नहीं सका, मगर जब मुझे ये पता लगा कि ये आले नबी औलादे अली है, ये सैयदजादा है, ये नबी की औलाद है, मैं सिर्फ देख के खुश हो जाया करता था कि ये हुसैन की औलाद है, ये हुसैन का खून है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरअसल वो तुमने उनके हाथ नहीं चुने, दरअसल वो तुमने उनसे मोहब्बत नहीं की, वो तुमने मोहम्मद पे एहसान किया, और इसका बदला ये है कि मैं तुम्हें दोजख से निकाल के जन्नत में ले जाऊंगा। आज के दौर में कोई ये कहे कि अहले बैत की मोहब्बत या अहले सलात की मोहब्बत कुछ रेती रहती नहीं, रह गए आमाल की बात, तो आमाल तो आमाल है, शरीयत तो हर शख्स पे लागू है, लेकिन आप किसी का दिल तो नहीं पहचान सकते ना। इसी तरीके से बहुत बड़े अल्लाह के वली के पास एक सैयदजादे आ गए जो बिल्कुल लड़के से थे, और उनकी न दाढ़ी थी न मूंछें थी, आप कह सकते हैं फासिक और फाजिल किस्म के, और उन्होंने उनका बहुत एहतराम किया। तो बहुत सारे उलमा ने ये कहा कि आप तो मुहद्दिस हैं, आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और आपने ये क्या किया? तो आपने उन शरीयत वाले जो मौलवी हजरात हैं उनको समझाया, समझाने के लिए इसको कहते हैं ना डेमो, उन्होंने एक डेमो दिया। आपने फरमाया कि खंजीर का नाम जमीन पे लिख दो, उस इलामा साहब ने खंजीर का नाम जमीन पे लिखा और कहा अब इसको जूतियां मारो, फिर उन्होंने जूतियां मारी, अब उनका कुरान पाक उठा के लाओ। जब कुरान पाक उठा के लाया गया, आपने फरमाया इसके वो आयत को जिसमें खंजीर का लफ्ज है वो आयत निकाल, उन्होंने वो आयत निकाली और आपने कहा क्या इसमें जूता मार सकते हैं? वो इलामा साहब कहते हैं ये तो सोच के नहीं सकता, क्यों क्यों जो जमीन पे लिखा था उसी तरह का लिखा हुआ, कहते जी जो जमीन पे लिखा था हराम जानवर था तो यहाँ भी वही जानवर हराम है जी, तो फिर क्यों नहीं मार सकते? इसलिए कि वो कुरान में आ गया। आपने इसीलिए फरमाया कि जो कुरान में आ गया, अब कोई सैयद फासिक है, फाजर है, जब वो नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो उसके अपने अमाल है, वो अपने अमाल का जवाब दे खुद, उसका एहतराम जरूरी है। कि जिस तरह ये लफ्ज़ खंजीर जो हराम है जब कुरान में आ जाए तो इसका एहतराम जरूरी है, इसी तरीके से वो सैयदजादा वो नबी की आल में आ गया। इसीलिए नबी की आल औलाद के अंदर से नुक्स निकाल जाए, या ये कहना कि नबी की औलाद, आज के दौर में यही कहा जाता है कि नबी की औलाद फायदा क्या दे रही है, तो नहीं ऐसा आ गया यकीन मानेगी यजीदी दौर है। अभी तो आपने देखा होगा ना, अभी तो यजीद को भी रहमतुल्लाह ताला ने औली अल्लाह ताला अन्हु अस्तग़फिरुल्लाह उसके लिए भी ये कहा जा रहा है। याद रखिए अभी जिंदगी में कोई भी शख्स आपसे पूछे कि आपका मसलक क्या है, अकीदा क्या है, हमने ये छोड़ दो, करबला के बाद दो ही अकीदे हैं बस, या एक यजीदी और एक हुसैन, ये बताओ मैं हुसैनी हूँ या तू बता तू यजीदी। जब आप किसी को ये कहेंगे तो आपका ये फिरका वालियत के मामला सब खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप कुरान को डीपली आप स्टडी करेंगे ना, वो तो पढ़ते हैं वहां का सब अल्हम्दुलिल्लाह जमीउ वला तफर्रुकु, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अब अल्लाह की रस्सी है क्या, इसका इमाम अहमद रजा ने नहीं, इमाम अबू हनीफा ने नहीं, इमाम अबू हनीफा के पीर मुर्शिद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इसका तर्जुमा फरमाते हैं, इसकी तशरीह करते हैं, अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है, अल्लाह की रस्सी से मुराद
दामने आले बैत है वो इमाम जाफर साहब है। वो इमाम अबू हनीफा जो उन्होंने ये फरमाया कि मैं 2 साल जो मैंने इमाम के कदमों में गुजारे, अगर मुझे इमाम जाफर सादत के ये कदम नसीब ना होते तो मेरी 70 साल की जिंदगी बर्बाद हो जाती। यही इमाम हनीफा जिनके ऊपर भी कैसे कैसे फतवे लगे और इनको मारा गया और इनकी लाश भी कौन सी है वो कैद खाने से बाहर निकली अहल बैत से मोहब्बत की वजह से, इमाम मालिक के साथ थी, इमाम हंबल के साथ थी, इमाम शाफी के साथ थी। ये जो अहल बैत की मोहब्बत है ना इसके अंदर बड़े फतवे लगते हैं, डरते नहीं बस मोहब्बत है अहल बैत और उसके बाद कोशिश करें कि पढ़े समझे उनकी तालीमात देखें। जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया दोनों में आपकी आपके लिए भलाई का सिला करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा यहाँ पे आना बैठना अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं करना था, उन्होंने मुझे बहुत सवाल किया है मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं 10-12 मिनट के लिए बयान कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सैयद दिलदार शाह साहब रहमतुल्लाह तआला लेकिन दर्जात में अपने लिए ना फरमाएँ अल्लाह ताला उनके खाने को आमीन आमीन अल्लाह तबारक व तआला सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला और हमारे रूहानी और इल्मी शख्सियत का हिस्सा।